बड़ी खबर आपको गुंजन ने बताई। अब आपको दिखाते हैं कि एबीपी सी वोटर के 18 दिसंबर को हुए पिछले साप्ताहिक सर्वे और आज के सर्वे में फर्क क्या है, अंतर क्या है, और वो अंतर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। 18 दिसंबर को 40% लोग भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जीतता हुआ देख रहे थे, 40% वोट भाजपा प्लस को मिलते दिखाई दे रहे थे, और 25 दिसंबर को यानी कि आज 41%, यानी कि 1% की बढ़ोतरी हो गई है एनडीए के लिए। 18 दिसंबर को समाजवादी पार्टी को 34% वोट मिलते दिखाई दे रहे थे और अभी 34% कोई फर्क नहीं पड़ा है, 34% पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी यही स्थिति बसपा की है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पिछले हफ्ते भी 13% बसपा को वोट मिलते दिखाई दे रहे थे, इस हफ्ते 25 दिसंबर को भी 13% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, उनके आंकड़ों में भी कोई अंतर नहीं आया है, 7% पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी 7%, और अन्य की बात करें तो वो जरूर घटा है और शायद वो जुड़ा है उधर एनडीए के लिए। 18 दिसंबर को 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे थे अन्य दलों को या निर्दलियों को, और इस हफ्ते 5%। आपकी दिलचस्पी होगी कि अवध क्षेत्र में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम रुख करेंगे डेटा सेंटर प्राची के पास। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश को समझना है तो उसके हर एक क्षेत्र को समझना होगा, इसलिए चारों क्षेत्रों के बारे में हम अपना सर्वे लेकर आए हैं और एक एक सवाल हमने दर्शकों के सामने रखा है। पहला सवाल है अवध को लेकर, कुल 118 सीटें हैं अवध में। सवाल ये पूछा गया कि अवध में किसे कितने वोट मिलेंगे अगर आज चुनाव होते हैं तो। इसके नतीजे भी आ चुके हैं राजेंद्र, और ये नतीजे बेहद दिलचस्प है, बता देते हैं। भाजपा प्लस यानी भाजपा गठबंधन को 43% वोट फीसद मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 31% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा की बात करें तो ये 10% है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, और अन्य के खाते में 8% यानी 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है राजेंद्र।